सुप्रभातम बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा के पार्ट पाँच के श्लोक को करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 23 होगा और पेज नंबर हमारा 32-38 होगा। तो इसमें थर्ड श्लोक करेंगे बच्चों हम, महाजनस्य संसर्गः कस्य नो उन्नति कारकः पदं पत्र स्थितं वारी धते मुक्ता फलाश्रियम। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसके कठिन शब्दों को अर्थ को जानेंगे। संसर्ग संगति ही वारी जल धते धारण करता है, और फिर यहाँ पे है कठिन शब्दों का व्यवसायी नाम व्यापारियों के और सविद्याना विद्वानों के और प्रियवादिनम प्रिय बोलने वालों के। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी हिंदी को जानेंगे कि सजना नाम मित्रता सर्वेशाम जना नाम उन्नतिम करोती है। ठीक है, जो सजनों की मित्रता होती है, अच्छे सजनों की मित्रता किसकी उन्नति कराने वाली नहीं होती। ठीक है, जो सज्जनों की मित्रता होती है वो किसकी उन्नति कराने वाली नहीं होती। यथा कमल पत्रे स्थितम जलम मोक्ति कस्य रूपम धारयति तथा एव सज्जन पुरुषाणां मित्रताया दुष्टा जना अपि सज्जनाः भवन्ति ही। जिस प्रकार कमल पर स्थित जल की बूंद मोती की शोभा को धारण कर लेती है। एक बार फिर से देखिए, सज्जनों की मित्रता किसकी उन्नति कराने वाली नहीं होती। जिस प्रकार से कमल के ऊपर जो टिकी हुई क्या होती है, जल की बूंद होती है, पानी की बूंद होती है, वो मोती की शोभा को धारण कर लेती है। ठीक है, वो बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, अब हमारा चौथा श्लोक है, को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशा स्वविद्यानां कः परा प्रियवादिनां। ठीक है, तो अब हम जो ये हमारा चौथा श्लोक है, चौथे श्लोक की हिंदी को भी जान लेते हैं। यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यं भारं न भवति। ठीक है, जो शक्तिशालियों के लिए कौन सी वस्तु भारी है, वह वसाई नाम कृति किम अपि स्थानम दूरम न भवती है, और व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है, कौन सा स्थान क्या है दूर है। विदुषाम कृति किम अपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवती तथैव ये मानवा प्रिय वचनम वदंती तेषां कृते को अपि परिकीये न भवति है। ठीक है, और व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है, और जो विद्वान के लिए अच्छे व्यक्तियों के लिए कौन सा देश दूर है, विदेश तुल्य न भवति, कौन सा देश विदेश के लिए, विद्वानों के लिए कौन सा देश विदेश है। और प्रिय वचनम वदन्ति तेषां कृते को अपि परिकीये न भवति है, तथा मधुर बोलने वालों के लिए कौन सा मनुष्य पराया है। तो बच्चों, ये हमारे पांचवें पाठ के श्लोकों की व्याख्या हो गई है। अब जो शेष इसका अभ्यास होगा उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।